पहलवान को अजियत क्यों दे रहे हो इस तरह से? तुम दोबारा वक्त से पहले जीत का मत सोचो मेहमत। अच्छा लगा तुम्हें देख के। शुक्रिया। बड़े ख्वाब देखने वालों का नफ्स भी उसी तरह बड़ा होता है। इस रफ्तार के साथ, इस ताकत के साथ उस्मानिया फौजी दस्ते में भर्ती एक तरफ, कोई तुम्हें घोड़ों के बाजार में कुल्ली भी ना रखे। कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये? जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगा कमांडर। सुनो कैप्टन, ये जगह मुकम्मल नहीं है। जंग का माहौल महसूस नहीं हो रहा, बारूद की बू नहीं आ रही। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ये कर लेंगे कमांड। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कैप्टन। शेर दिल लोग चाहिए शेर दिल। किसी आम फौज के सिपाहियों का इंतखाब नहीं कर रहे, सल्तनत उस्मानिया के फौजी दस्ते के लिए इंतखाब कर रहे हैं। इन खंदकों को और गहराई तक खोदे और ये खारदार तारे एक कले की रुकावटों के मानिंद होनी चाहिए, और वहां दो माहिर निशानेबाज भी तैनात करो। कल वो सब इनके निशानों पर होंगे, मगर ख्याल रहे कि किसी को लग न जाए। देखो कैप्टन, मुझे एक ऐसा दस्ता तैयार करके दे जिनके दिलों को कोई भी दर्द तकलीफ ना दे, जिनके दिलों को कोई भी शैतान गुमराह ना कर सके, उनके ईमान को कोई भी हथियार तोड़ ना सके। भूलना मत कि वक्त कम है, दुश्मन बहुत है। उस्मानिया फौज में भर्ती के उम्मीदवार
हर कोने से जोक दर जोक आ रहे हैं, उनके साथ है मुकाबला। मगर इस जज्बे के साथ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर सईद ने घोड़ा गिराकर धोखा ना दिया होता तो हम वक्त पर होते यहाँ पर। जब सरहद पर दुश्मन तुम पर घात लगाएगा तो तुम कमांडर को ये बहाने सुनाओगे। सिर्फ चल नमू की ताखीर के लिए इतना गुस्सा मत करें बाबा। जाओ यहाँ से। जब गोली तुम्हारे सर में लगेगी तब पता चलेगा चल नमू की कीमत का। पकड़ो इसे और बारी बारी अपने सरों पे रखो। पहले मेहमत, बाबा आप हमें उस्मानी फौज में भर्ती करवा रहे हैं या कब्र में पहुंचाना चाहते हैं? अगर अभी से ही तुम मौत से इस तरह डरोगे तो मुझे इस मुल्क की जंगी हालत पे अफसोस है। बातें बंद, अब जाओ। अपनी सांसों पे काबू रखो, उनकी वजह से तुम्हारा निशाना खता नहीं जाना चाहिए। शाबाश, अल्लाह कामयाब करे।